जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माता के मंदिर से, क्योंकि मैं सुबह नहाया धोया सीधा ही निकल गया दर्शन के लिए जैसे ही सोने से उठा। तो अभी यहाँ से करो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ बताता हूँ मैं सब पहले तो आपको मनाली का मौसम, आज का कैसा है मौसम। ये देखो मौसम तो बिल्कुल क्लीन है भाई, इधर देखो आप। दर्शन कर लिए मैंने और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा ओल्ड मनाली। तो अब ओल्ड मनाली में आगे का प्लान है ये आज कि अभी हमारा प्लान बन रहा है बाली चौकी जाने का, क्योंकि महेंद्र भाई के गांव में मेला आज, तो महेंद्र भाई कॉल कर रहे थे कि आओ आओ आओ। तो अभी मैंने किया एक बाइक ऑलरेडी दे भाई अपने, तो अब वो रेडी तो नहीं है, बस वो बोल रहे हैं कि आ जाओ नीचे फिर देखते हैं, पहले ओल्ड मनाली चलते रेडी होते हैं, फिर उसको निकलता हूँ मैं मार्केट, तो फिर बताता हूँ आगे का क्या बनेगा। अभी पूरा पता नहीं है जाना है कि नहीं जाना है। अभी जा रहा हूँ मैं अडिम्बा से ओल्ड मनाली के लिए। तो भाई एक टाइम ये रास्ता जो होता ना, यहाँ से चलने के लिए भी जगह नहीं होती है, मतलब इतने लोग होते इस रास्ते पर ना, बिल्कुल पैक होता है रास्ता। और आज की डेट में देखो भाई, यहाँ देखो इसको बोलते हैं ऑफ सीज़न, बस ये होता है जुलाई और अगस्त, यहाँ पे 2 महीने रहता है ऐसा, बाकी अब सितंबर से फिर से काम चलेगा, फिर से सही होगा। ये देखो मैं निकल चुका हूँ गाड़ी के पास, पहुँचा हूँ मैं, देव भाई पहुँच चुके हैं नीचे मार्केट, और अब बस मैंने गाड़ी स्टार्ट करनी है और निकलना है मार्केट के लिए, फिर देखते हैं मार्केट पहुँच के क्या बनता है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पार्किंग में और अभी यहाँ पे देव भाई है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं ग्रीन टैक्स बैरियर और यहाँ पे चला काम, जो ये टूट गया था रोड देखो यहाँ पे, ये देखो इसका काम चला है NHAI का यहाँ पे, इधर ऊपर को भी चला है, यहाँ से भी डंगे लग रहे हैं, क्रेट बॉल लग रही है यहाँ से भी जो यहाँ से टूटा था, और यहाँ पे भी अभी टिपर वगैरह फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे बंद वे कर दिया है, नीचे से भी गाड़ियाँ रोकी थी और यहाँ से भी अब नीचे से छोड़ दी है, बस ऊपर से रोकी यहाँ पे, और यहाँ चला क्रेट बॉल का काम, देखो क्रेट बॉल दे रहे हैं यहाँ पे। अभी हम पहुँच चुके हैं कुल्लू और यहाँ से आ गया है 42-45 किलोमीटर मेरे ख्याल से ना, कितना देर में, 40-45 किलोमीटर रहा अभी बाली चौकी, और उसके आगे 2-3 किलोमीटर है ऊपर जहाँ गांव में हमने जाना है धार गांव। अब निकल रहे हैं, सीधा स्पीड रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि टाइम भी हो चुका बहुत, 12:30 हो चुके हैं हमारे को यहीं पे, तो हमने सोचा था 12-12 बजे पहुँच जाएंगे हम बाली चौकी, बट हम मनाली में लेट हो गए। हम पहुंच चुके हैं और टनल, यहाँ से अगर राइट लेंगे तो ये चंडीगढ़ के लिए ज़्यादा, चंडीगढ़ दिल्ली के लिए, बट हम अभी जाएंगे यहाँ से लेफ्ट, तो लेफ्ट यहाँ से जाता है एक सेंज वैली के लिए और दूसरा जाता है तीर्थन वैली, तो ये गया यहाँ से लेफ्ट देखो, तो हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। अभी हम पहुँच चुके हैं लारजी और यहाँ से राइट, ये है लेफ्ट के लिए सेंज के लिए, यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे जाके बाली चौकी, तो अभी ले लेते हैं पहले चिप्स वगैरह कुछ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाली चौकी और अभी हम करा रहे थे गिफ्ट पैक किसी के लिए, किसी का बर्थडे है, तो चलो हम बता भी नहीं सकते बर्थडे के लिए सरप्राइज है, तो चलो ये अभी कराया पैक है यहाँ पे, तो अभी इसमें है क्या ये भी मेरे को पता। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे महेंद्र भाई के घर के पास, बस गाड़ी लगा दी है मैंने, अभी देखने गाड़ी आ रही है बहुत बड़ी गाड़ी यहाँ से, तो अगर ये निकलेगी फिर जाएंगे हम नीचे, नहीं तो फिर गाड़ी अपनी साइड करनी मार को, तो चलो अब गाड़ी का देखते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ आपको छोटे से रोड में कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है, और महेंद्र भाई है नीचे शॉप में, तो फिर उनसे मिलेंगे अब जाके, फिर दिखाएंगे आपको मेला यहाँ का और यहाँ का नाम है धारिस गाँव का। भाई अब गाड़ी लगानी पड़ेगी आगे मार को कहीं, क्योंकि यहाँ देखो गाड़ी कितनी बड़ी आई है और यहाँ पे जगह ही नहीं इस जगह पे, तो ये देखो क्या है इतना बड़ा, तो यहाँ पे लगी गाड़ियाँ देखो रोड पे, तो जब तक ये गाड़ी नहीं हटेगी तब तक ये नहीं निकलेगा यहाँ से, अब लगेगा ट्रैफिक पीछे देखो यहाँ पे। भाई मेले की एंट्री हो चुकी है देखो बच्चों को, और इधर मिठाई देखो भंडारी साहब, हो भाई जी क्या हाल है आपके, बढ़िया बढ़िया, टोपी टोपी लगा के आ रहा आप तो बन गए किनौरी हैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं महेंद्र भाई के घर में, और महेंद्र भाई के घर का व्यू देखो भाई आप, यहाँ का नज़ारा भी बहुत आप, वो देखो नेक्स्ट लेवल व्यू किसको बोलते हैं, और ये लगा मेला नीचे, तो मेले में जाएंगे अब थोड़ी देर के बाद, पहले यहीं बैठते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेला देखने, बस मेला यहाँ नीचे ही लगा है, पहले दिव्य दर्शन करते हैं, मेला
भक्त, ओ भक्त सिंह। तो भाई अब हम आ चुके हैं वापस यहाँ से, दीप्ति के दर्शन कर लिए हमने और वहाँ बिना आंटी चली रोटी नहीं थी अभी, तो आज थोड़ी देर बैठते हैं खाना खुना खा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे दोबारा नाटी के वहाँ नीचे मेले के वहाँ, तो फिर दिखाएंगे आपको मेला दोबारा से। तो चलो और खाना खुना खा लेते हैं पहले और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। और ये है मेले की कुछ झलकियाँ, इधर देखो आप। नाटी हो चुकी है ख़त्म और हमने बहुत इंजॉय कर लिए और मौसम भाई एकदम से बारिश हो रही थी और मौसम दिखाता हूँ आपको, पर एक भाई धूप लग रही है और यहाँ पर बारिश हो रही थी, ये देखो मौसम कितना प्यारा हो गया। और अब ना सारे लोग वापिस आ रहे हैं यहाँ से नाटी के वहाँ से, और मतलब ग्राउंड से सारे लोग वापिस आ रहे हैं। तो ये देखो देखो यहाँ पे ना इस साइड को बिल्कुल धूप है, मतलब बढ़िया धूप है, यहाँ देखो मौसम बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पे देखो बस यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे बारिश हो रही है और परे कोई मौसम देखो साफ़ है, ये देखो मौसम बिल्कुल साफ, बस इतने से एरिया में बारिश हो रही है। यहाँ देखो भाई थोड़ी देर पहले जहाँ बारिश लग रही थी, ये यहाँ लग रही थी बारिश और थोड़ी देर पहले परे लग रही थी धूप, और भाई परे का नज़ारा देखो अब एकदम से, वो देखो भाई बारिश इतनी तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पे ना उस साइड पे, वो देखो 10-15 मिनट पहले यहाँ पे मतलब इतनी धूप लग रही थी ना, बहुत तेज़ धूप लग रही थी इस एरिया में, और अभी देखो वहाँ पे बारिश भाई कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पे अभी भी बारिश नहीं पड़ी, मतलब वो ही है वैसे ही बादल है, हल्की फुल्की बारिश पड़ रही थी और परे को तो वैसे भी धूप ही है। अरे देखो इस साइड को देखो भाई मौसम देखो यहाँ का, खाना पीना हो चुका है मस्त और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस। तो अब मैं ये बोल रहे थे भाई की कहीं जाना है और भी एक मेला यहाँ पे, बट अब मेले में नहीं जाएंगे, बट जाएंगे सीधे ही मनाली। चलो बाली चौकी पहुँच के देखते हैं कि कहाँ जाना है अभी, तो अब चलते हैं फिलहाल गाड़ी के पास, फिर देखते हैं आगे का प्लान है। हम पहुँच चुके रोड में और भाई ने लगाई है गाड़ी बहुत आगे जाके, क्योंकि उस टाइम वो ट्रॉल आ रहा था, तो उस चक्कर में गाड़ी लगाई है आगे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल, भाई जा रहे हैं आगे आगे, तो चलो चलते हैं। ये भाई देखो तो ये बोल रहे कहीं जाना है, तो पता नहीं कहाँ जाना है, देखते आगे जाके कहाँ जाना है।
पलकाड़ी के पास पहुंचते हैं क्योंकि हालत हो गई है थोड़ी सी खस्ता चलते चलते। हो ना जाए से, हो ना जाए पासा गले से लगा लो मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेरे वाले सनम मेरे सनम। हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड अभी मनाली वापिस और हमारे यहाँ पे लगा जागरण और बारिश हो रही है भाई। लोग देखना कैसे भाग रहे हैं यहाँ पे, ये देखो रात के बज चुके 12 और मैं पहुंच चुका हूं घर में और मेरी हालत देख सकते हैं भाई, बार हो रही है सी बारिश, इतना बुरे हाल है बारिश से। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हाँ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।